आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। काशवा की किताब पहला बात तीसरी आई इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। क्योंकि वक्त नजदीक है। और कौन लोग मुबारक होंगे? इस किताब, इस नबूवत की किताब को, और कोई किताब नहीं है, ये नबूवत की किताब बाइबल मुकद्दस ही है। कोई और ऐसी किताब दुनिया में नहीं है, कोई ऐसी और मुकद्दस किताब नहीं है, ना ग्रंथ है। और फिर ये जी और क्या क्या कहते हैं, रामायण है, रामायण है, जो भी है, जानता कि हम नाम नहीं मैं लेना चाहता, कोई भी रूहानी किताबें नहीं है। अगर है क्यों आमीन। सच्चाई, हकीकत जो इसमें बयान की गई है, कोई नावल या कोई कहानी नहीं है, ये वो कलाम है जो खुदावन के मुंह से सादर हुआ। आए पढ़े, वो क्या कहता है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और इसके सुनने, अगर आप उसको पढ़ने वाले लोग हैं तो और क्या है, सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले। पढ़ना है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो सुन सकते, और सुनकर भी उस पर ईमान ले आते हैं और अमल कर सकते। सुनना क्या होता है, कहां से? बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। याद है मैंने अपनी खिदमत की लोगों में कटपट के लोगों को एक शुक्र अदा किया, वास्ता शुक्र में शुरुआत की तरफ बड़ी दैन और शब्द को अबादत होती थी, कलाम पढ़ा जाता था और लोग सुनते थे। कुछ लोग थे बहुत कम थे, सुनना आके सुनने से क्या फायदा होता है, ईमान। सुने निकाले गए आज टॉपिक जो हमारा है, अमोस की किताब सात बात सात है जी। अमन भाई, अमोस की किताब सात बात सात है, फिर उसने मुझे रोया दिखाई, और फिर उसने मुझे रोया दिखाई। किसको दिखाई? साउल, अमोस नबी को जी। क्या फरमाया उन्होंने, और क्या देखता हूँ कि खुदावंद एक दीवार, और मैं क्या देखता हूँ कि खुदावंद एक दीवार पर खड़ा है, हाँ जी, जो साहूल से बनाई गई थी खड़ा है, और साहूल उसके हाथ में है, और खुदावन ने मुझे फरमाया कि अमोस तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि साहूल, तब खुदावन ने फरमाया, देख मैं अपनी कौम इसराइल में साहूल लटकाऊंगा और मैं फिर उनसे दरगुजर ना होऊंगा। और देख गौर से अमोस, मैं कहां पर खड़ा हूं, और वो दीवार पर खड़ा है और साहूल उसके हाथ में है। इसको शायद भी पंजाबी में कहते हैं, साहूल क्या होता है किसी को पता है? लेवल करने वाला। एक मैंने ट्राई की यहां से देखने का, अभी तक नहीं मिला, मैं दिखाना चाह रहा था आपको। तकरीबन
दो मीटर मुरब्बा में एक पथरी होती है, उसके खंड होता है और उसमें डोरी डाली जाती है और उसके नीचे एक लड्डू सा होता है, वो भी उतनी ही दो मीटर होता है, दो मीटर सेंटीमीटर का। और वो जब दीवार के ऊपर यहाँ पथरी रख दी जाती है, उसे ऐसे रखा जाता है इस तरह, और ये डोरी नीचे, और नीचे का हिस्सा जो दीवार में अगर बराबर में नहीं लगा तो उसका मतलब आपकी दीवार उनका ईमान है तो कहेंगे नहीं इसके साथ देखेंगे ना तो सही बताएगा, लेवल से खराबी हो सकती है, आगे पीछे भी लेवल हो जाते हैं, धूप में पड़े रहे लेवल खराब हो जाते हैं। तो खुदावंद खुदा ने इस सऊल को अपने हाथ में लिया और कहता है कि वो दीवार पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, दीवार पर खड़ा है और देख रहा है। दीवार का मतलब है कि उसकी कौम की तरफ निगाह है, अपने लोगों की तरफ दीवार, अपने लोगों की तरफ निगाह किए हुए है। क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग, मेरे लोग क्या करते हैं। और क्या जब लिखा जी, हाँ जी पढ़ेंगे और हसाब के ऊंचे मकान बर्बाद होंगे और इस्राएल के मकदस वीरान हो जाएंगे। खुदा जानता था कि जब मैं इनकी मिजान करूंगा, देखूंगा तो फिर क्या हशर होगा। खुदा ने ना इस्राएल को बख्शा और ना अपनी कौम को बख्शा, ना किसी को बख्शा, क्योंकि वो खुदा देखना चाहता था कि कौन मेरे मियार के मुताबिक मिजान में है। क्योंकि आप खुदा के खिताब में तब्दीली नहीं कर सकते, तरमीम नहीं करते, ये नेशनल असेंबली नहीं है, जो कानून हमें अच्छा लगे हम उसकी तरमीम करके अपने आप को पहुंचाते। There is no way in life. खुदा का कलाम बरहक और सच है और जो कुछ उसने फरमा दिया है उसमें कोई तब्दीली नहीं है, ना उसने किसी को बख्शा। कहता है सौ रुपया जो है सूद, सूत क्या होता था, डोरी, सूत उसके हाथ में था, साहुल उसके हाथ में नहीं, वो बहुत बड़ा कारीगर था। और डोरी लगाई जाती है उस कोने से दूसरे कोने तक, और उस वक्त क्या किया जाता है, ये साया की किताब निकाले, साया 28:16-17 है, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सहून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, देखो मैं सहून में एक बुनियाद के लिए क्या करूंगा, पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, आजमूदा ऐसा पत्थर नहीं रखूंगा कि मैं ये पता नहीं कौन सा पत्थर, आजमूदा आजमाया हुआ जी, मक्कम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमत, मजबूत बुनियाद के लिए, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, और जो कोई उस पर कायम ईमान लाएगा वो क्या करेगा, कायम रहेगा। जब बुनियाद बुनियाद रखी जाती है तो कोने में पहले एक पत्थर रखा जाता है, छोटा सा बराबर सा छोटा गोज बना के रखा जाता है, और उसके बाद वहां से डोरी लगाएगा, यहाँ पर लगाएगा, यहाँ से वो पेमाइश करके वहां पर लगाएगा। और वे डोरी किस लिए लगाई जाती है कि जब वो ईंटें लगाना शुरू करेगा तो हर ईंट मिजान में और पिरामिड में जाएगी। खुदा ये देखना चाहता है, मैंने एक मिजान दिया इनको, मैंने इनको कलाम दिया है, मिजान में नहीं है, डोरी में नहीं है, डोरी लगी हुई है लेकिन लोग आपने देखा ये सड़कों पर येलो लाइन लगी हो, येलो लाइन क्या बंधन है, गाड़ी का मन खड़ी करते तो आपको इतना बंधन नहीं हो, लेकिन अगर आप थोड़ा आ रहा है क्या होगा, खुदा के हजूर में, खुदा के कलाम में, खुदा की नजरों में हमें इसी तरह चलना है जैसे डोरी हम लगा के दीवार की ईंटे लगाते हैं। शेर के ईंट को जब वो लगाता है मोलम तो वो देखता है, फिर वो नजर करता है पीछे,
फिर वो उसकी जमात जब वो ऊपर जाती है तो फिर वो क्या लगाता है क्योंकि अगर उसकी दीवार टेढ़ी है अगर उसकी बुनियाद में खराबी है तो पूरी इमारत में ऊपर जाके खराबी आ जाएगी, छत में खराबी आ जाएगी, किसी ने नहीं कुछ कर दी यही निजाम रखा खुदा ने भी यही कुछ हमें बताया होता है। दूसरी सलाह तीन किस बात निकाले दूसरी सलाह तीन किस बात पांच छह आए अब देखेंगे खुदा का निजाम क्या है। और उसने आसमान की सारी फौज के लिए खुदावन की हैकल के दोनों सहनों में मजबे बनाए और उसने अपने बेटे को आग में चलाया और वो शगुन निकालता और ये कौम बनी इसराइल का हाल बता रहे हैं। क्या बादशाह जब आया इसराइल कौम में एक ऐसा बादशाह हुआ जो खुदा की मर्जी की मार को हज किया बादशाह जिसने वो तमाम बुत वो तमाम मंदिर वो तमाम चीजें गिरा दी थी और उसने अपने बेटे को दान की राह पर दौड़ के बाद अगर वो खुदा की राह पे चला कौम बनी इसराइल को लेके तो वो हिज किया बाकी जितने आए ने आगे बढ़े कि आपने क्या किया और उसने अपने बेटे को आग में चलाया और वो शगुन निकालता और हुजू नगरी करता और जिन्नात के यारों और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। उसने क्या कर दिया नए नए शगुन शुरू कर दिए जादूगरी बदप्रस्ती इसकी वजह क्या थी खुदा ने कौम बनी इसराइल को सख्ती से मना किया था कि गैर कौमों से सुलेमान ने वही गलती की सबने वो गलती आपने भी यही गलती है कुछ मिस्री और दूसरी सूर्या दूसरी जगह से बदप्रस्त कौमों को अपनी कौम में क्या कर लिया शामिल कर और उनका राज उन पर हो गया और वो बुत प्रस्तों की तरफ तक के साथ क्या आपने भी यही कहा क्या किया उसने नबियों को कत्ल करना इतने मतलब मारे गए थे इसके दौर में इतने नबियों को कत्ल किया उसने 2000 क्या है उसने कौन बचा था खत्म कर दिया जाए खुदा का कोई नाम ना ले और सब लोग बुत परस्ती करें और जो मजबे खुदा के थे उनको सब कुछ उठा दिया गया था नबूकदनेस्सर ने क्या किया पढ़े जरा उसकी कहानी सुन के देखो दानियल चार बात है पांच बार पढ़े पांच से एक और पांच तक दानियल पांच बार एक से पांच बेलशज़र बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफ़त की और उनके सामने मैनोशी की। बेलशज़र ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ़ जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाएं ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हरमें उनमें मैख़वारी करें। नबूकदनेस्सर ने भी खुदा की नाफ़रमानी नबूकदनेस्सर वो बादशाह था जो सबसे पहली सल्तनत दुनिया क्या नाम था उसका बाबल और उसमें खुदा ने जब दानिय्येल में बादशाह देखी थी उसका सर क्या था सोने का बाबल और खुदा ने उसे कहा कि बड़ा इतनी बड़ी इज्जत दी गई सोने का सर पहली सल्तनत
फर्स्ट किंगडम इन द वर्ल्ड। और इसी नबूकदनेस्सर ने तमाम इसराइलियों को क्या किया था, अस्थिर करके ले आया था। ये दानियल 17:20 एक दिन ये अपने महल पे टहल रहा था, चौथे पांच दिन कर रहा था, बड़ा शौक शौक देख लिया, तकबर में आ गया, गरूर में आ गया, मैं सोने का सर। और उसने क्या किया, अपने तमाम सल्तनत के अमीरों और बड़े बड़े रईसों को बुला दिया, और इतना तकबर में आ गया कि वो बर्तन जो यरूशलम से हैकल से चुरा के लाया था उनको मंगवा लिया। और जब वो कर रहे थे मैकोरी सब शुरू हो गया अध्यापन, तो दीवार पे कुछ भी लिखा गया, क्या लिखा गया था जो से बोले मैंने तुझे क्या नहीं बख्शा, मैंने तुझे क्या सल्तनत ताजपुरी दे दी, मैंने तुझे सोने का सर ताज बनाया, अब तूने क्या किया, क्या को अच्छा नहीं दिए कुछ आज दुनिया में सबसे बड़ी खराबी, हम मुकद्दस कलाम को भूलते जा रहे, हम सच्चाई से नफरत करना शुरू कर दिया अपनी मर्जी से, वो मसीह घराने हो या दुनिया भी लोग खानदान एक फर्क है, ईशाए सब बर्बादी की तरफ पहुंच रहे। क्यों इसने मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम कलाम से हटते जा रहे। वो कहते हैं मुबारक है वो लोग जो इस कलाम को पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, सुन लेते हैं, काम है क्या उन्हें सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने खानदानों की जिंदगियों के बारे में, अपनी कलीसियों के बारे में सोचे। अगर आज खुदा ने वो सौला पटकार दिया तो क्या हो, सामरिया को नहीं बख्शा, अपने नबियों बादशाहों को खुदा ने नहीं बख्शा, हम किसकी थी, मूसा ने क्या किया था, एक गलती थी खुदा से हम कलाम होने वाला खुदा के पास गया, 40 दिन वहां पर रहा, इन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, मिला नहीं मिला, खुदा ने उसे वहां पर जाने दिया। मैं आपको दोबारा इसलिए खुदावन खुदाओं फरमाता है देखो मैं सय्यून में बनियाद इसलिए खुदावन खुदा फरमाता है सय्यून में क्या करूंगा बनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा यीशु मसीह उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा वो देख रहा था मेरी कौम क्या कर रही है बागी होती जा रही है सुनती नहीं है अपनी मनमानी करती है गैर कौमों को शामिल कर लिया शादियां कर ली बुत परस्ती दाखिल कर ली और खुदा के कलाम से उनका रखो
दिल से शायद इसकी सुनने शायद ये खुदावन यीशु मसीह जब आएंगे दुनिया में पैदा हो गए मरियम के घर चले, यूसुफ के घर चले, लेकिन लिखा है कि वो बच्चा खुदा ने एक पत्थर अपना पहन किया, खुदा खुद नीचे आ गया, इसलिए क्यों ना हो कि मैं खुद जाऊं। आपको याद है कितने लोग उसके बच्चे में जाते, चार पांच बच्चे कितने कितने बड़ी बड़ी भीड़ खुदा यीशु मसीह के साथ होती थी, लेकिन जब वो मसकू हुई तो कौन था छुटे होंगे खुदावन इसी लिए इस पर बैठो में दे रखे चाहता नहीं होता। अगर आज 20 साल पहले 1 साल पहले अगर तो कितने लोग खुदावन ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे ताकि एक नाम को पढ़ना सुनना उस पर बड़े बड़े हैं पौधे पाल लेते हैं अपने ऊपर लेवल यहां रखे अपने अमेजॉन के अंदर पेंडोरी के अंदर हूं तू चोरी ना करना तू झूठी गवाही ना देना काम माँ बाप की इज्जत करना सनाकारी ना करना झूठी गवाही नहीं देनी पहले चार हुक्मों पर गौर नहीं किया अगर वहां पर गौर कर नाम भी फायदा और तू ना उसके लिए कोई तराशी हुई काम पहले शुरू मूर्त से बनना शुरू हो बट परस्ती खुदा को भूल गए। कौम पर इसराइल जब निकली तो शुरू में क्या हो गया था खुदा के पास गया था वो कहां पर थे यरूशलेम में होता था मलबा बना लिया बछड़ा बना लिया चलो भाई जिस खुदा ने 4,000 साल की गुलामी से जिस खुदा ने समुद्र के 2 टुकड़े कर दिए इतनी जल्दी उनका मान बिखर आज दुनिया मिलेगा मिल भी नहीं लगता है। बाबा जी को कहा उन्हें आगे खबर का दर्शन बाबे को निकाला बाबे ने कहा हम कलाम भूल जाते हैं तरह तरह की आजमाइशें आएंगी आप पर आपके ईमान को जांचा जाएगा रोजा आने के लिए खड़े रहते लेकिन भर जाते खुदा का सुन ले कभी खुदा हम हमारे ईमान की जांच वो हमें झंझोड़ता है वो हमें छांटता है वो हमें डांटता है मुख्तलिफ मुसीबतों के इस बात से दुआ करना छोड़ जितनी जितनी मैंने अपने कारोबार में मुसीबतें जहां उठाई है मुझे पता मैंने आपको क्यों नहीं दुआ कर लोग कहते थे कि आज तो बैठ जाएगा ना जेल जाएगा दोनों लोग हमारे हो गया
आपके वाल साहब इसी दौर में यहीं पर था, लादन में थे ना, नाम सौदी हो गए थे, प्रभु के नजर के साथ क्या हुआ था, सास दौर उसको जंगल में फेंक दिया, कैसे उस पर मुसीबत आई, जहां जहां लोग दास एक शख्स देखेंगे दुनिया भी खुदा कैसे करता है, सदर हो, वजीरे आजम हो, घर से असेंबली हॉल आने के लिए भी हेलीकॉप्टर में आना है, प्रोटोकॉल है, आज कहा है क्या इल्जाम है, खरीजो मैंने बड़ा हमें सीधी राह पर लेके चलेगा, लोगों ने क्यों वोट दिया उसको, एक बंदा आया है पहली दफा और मुल्क की बेहतरी करेगा, बहुत कुछ करेगा और आखिर का इल्जाम है खरीजो, सोचिए वजीरे अपनी जिंदगी को भी सोचिए, छोटी सी देश को नबूद हो जाएगी, ना वो इज्जत रहेगी, ना वो मकाम रहेगा, खुदा का कलाम पढ़ा उससे भी स्वागत है, वहां तो जुबान से हो जाएगी, छोड़ जाएंगे, छूटेंगे नहीं छूटेंगे, झूठ सच का पता हमें हो जाएगा, हमें अपने पिता के कलाम, हमारा कलाम हमें क्या सकता है, हमारे कलाम में क्या गुंजाइश, मैंने कहा मूसा खुदा से कितना करीब था, कोई गया हो वहां पर हाथ बढ़ाया, हाथ में काम क्या था ना, खुदा हम कलाम होता था, खुदा का जलाल उस पर इतना था कि जब वो नीचे है तो लोग देख नहीं सकते, लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई जस्टिस बैठा के तरमीम कर दे आपके घर, कोई असेंबली इस मान पर नहीं बैठी तो वहां पर वो कानून बनाती है, अरे यार ये इसको छोड़ दो, ये थोड़ा इसने बहुत काम किया है वहां पर, इसने बड़ी खिदमत की है वहां पर, बड़े तबले बजाए ने, बड़े वाजे बजाए ने, जो कोई उस पर ही मान लाए तो कोई क्या करेगा, जो कोई इस पर ईमान लाएगा और कायम रहेगा अगली आज़रा पड़ेगी क्या होगा उसके लिए, इसके साथ ही और इस बाप थोड़ा सा यशाया, और मैं अदालत को सूत और सदाकत को साल बनाऊंगा और ओले झूठ की पनाहगाह को और झूठ की पनाहगाह को साफ कर देंगे और पानी छुपने के मकाम पर फैल जाएगा, मैं क्या करूंगा उसको, अदालत को सूत और सदाकत को साहूल बनाऊंगा, अदालत को क्या करूंगा साहूल बनाऊंगा, सच्चाई अदालत सच्चाई है, सूत अदालत है और साहूल सच्चाई कलाम, और मैं क्या करूंगा उस वक्त क्या होगा, लोग क्या जागे लिखे क्या लिखा हुआ है, दोष से पड़े भाई क्या पड़े, और ओले झूठ की पनागा को और ओले झूठ की पनागा को साफ कर देंगे, साफ कर देंगे, झूठ की पनागा नेक को नबूद हो जाएंगे और पानी छुपने के मकान पर फैल जाएगा, और इतना पानी होगा कि पूरी दुनिया बाथरूम नहीं चले, उठे ने चढ़ जाने उसे पानी नहीं होगा, ऊंचे पहाड़ पर चले जाएंगे वहां पानी नहीं आएगा, नूह के जमाने में क्या हुआ था, लोग ऐसे कर 120 साल लगे थे उसको बनाने में,
और तू क्या करता था इस तरह? नहीं, 120 साल के बाद भी लोगों ने इस कलाम को मुझे उम्र होगी क्या 120 साल? और जब पानी आना शुरू हो गया तो लोग इसी तरह भागे, छतों पर कोठियां चढ़ेंगे, पहाड़ों पे चलते हैं, ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? इस चर्च के अमर से जिंदगी बनती है, ये पढ़ने से नहीं, पढ़ दे बादशाह ने सुधा पाई, सख्त से सख्त सुधा पाई। क्यों? सुनते थे, खुदा का शुक्र भी करते, जो कोई इस पर ईमान लाएगा और क्या होगा? कायम रहेगा। मुझ पर भी मान रहे, शिगिर्द बड़े परेशान थे, उनकी बनेगा। वो सोच रहे थे कि मसीह खुदावंद जब इस दुनिया में आए हैं तो वो यहाँ पर ही रहेंगे, बादशाह खत्म, नवी बादशाही बन जाएगी, मैं वजीर बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं वजीर इजरात, मैं वजीर फलाना बन जाऊंगा। वो यही सोच, पर वो जब जाने लगा तो क्या चीज तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखोगे, क्या होगा? मेरे बाप के घर में बहुत से लोग जगह तैयार है, साथ ले अब उसने हमें अब्ञा दिए, आज उसने हमें कलाम भी दिया है, खादम दिए हैं, कलीसिया नहीं है, हर घर में कलाम है, कोई ना कोई आज बच्चा हर घर में बोले प्रस्तार है, खुदा का नाम लेते हैं, आवाजों में जाते हैं। अपने खानदानों के लिए, ताकि वो वक्त ना आए थोड़ी सी बात है, हमारा नाम उसकी किताबें हमारे नाम की बात कर, मैं तो बड़ी मेरा नाम उन्होंने अमली तौर पर हमें करके दिखाया सब कुछ, हर हर बात में लिखा कि अपने बात की मर्जी पूरा से कर पूछते थे, आपको पता को बता सकते हम, लेकिन आप लोग अपराध सौंपते थे, कहीं बाइबल में लिखा नहीं, वो अपने शिक्षकों के साथ तो आपके पास हो रहे थे पाने मेरे से अगर तीसरी चंगी है परेशान ये फुआ नहीं है, लिखा ना भाई, खबरें भी सुनोगे और क्या करेंगे, अफवाहें भी सुनोगे।
हालात से मुकाबला करना, शैतान से मुकाबला करना, जोरावरी के साथ मेरा मुकाबला करना है, ईमान के साथ। क्योंकि हम हर रोज कलाम को पढ़ने वाले हैं, हम हर जुमे को हर रोज अपने नेट पर भी कलाम को सुनने वाले लोग हैं, और फिर हम उस पर अमल करने वाले बने। और दस और दस।